Ranjit. Always love to be first. Last couple of games में तो आपको मतलब score किए हैं या फिर score के आसपास रहे हैं. अभी now that I don't remember you playing a full tournament for India in a while. इसका मैं जो free opportunity कोई target क्या है? ऐसे स्ट्राइकर मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं जितना गोल कर पाऊंगा कंट्री के लिए और जितना टीम का हेल्प कर पाऊंगा तो आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट ऑलवेज. पाजी विल बी प्लेइंग एट अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व्हिच हैज बीन योर होम ग्राउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. व्हाट इज डिफरेंट इन प्लेइंग लाइक एट योर क्लब्स होम ग्राउंड? मुंबई में खेलते हुए काफ़ी मज़ा आया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फैंस पहले भी नेशनल टीम का जो मैच खेला था तो काफ़ी सपोर्ट मिला था हम लोग को. सो इट्स अमेजिंग, इट्स ग्रेट टू प्ले हेयर इन मुंबई. कुछ गोल्स एम्स है ये टूर्नामेंट से आप? एज ए स्ट्राइकर कोई ऐसा टारगेट नहीं रखा है बट जितना भी हो जाए कम होगा सो आई विल ट्राई टू बी माय बेस्ट. एज ए प्लेयर आई थिंक मोटिवेशन एज ए मोटिवेशन लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अगर प्रेशर लेंगे तो फिर परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाएगा. सो आपका क्लब्स लेवल में भी ऐसे कॉम्पिटिशन रहता है तो नेशनल टीम में भी कॉम्पिटिशन है बट ये अच्छा है कॉम्पिटिशन रहने से. We are improving every day. जो तीन अपोजिशन टीम्स हैं न्यूजीलैंड, चाइनीज टाइपे और केनिया, इनको आप कैसे रेट करते हो? इनमें से कौन से आपको सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं? किसी एक को तो नहीं बोल सकता लेकिन वी आर नॉट टेकिंग एनी टीम इजीली. सो तीनों टीम स्ट्रांग है आई थिंक. सो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट. बलवंत, ये टूर्नामेंट के अलावा ISL में स्टार्ट बहुत अच्छा था, यू वाज स्कोरिंग गोल्स बट बाद में गोल स्कोरिंग भी कम होती है, तो अभी क्या है फॉर्म, अभी क्या लग रहा है ट्रेनिंग के साथ आफ्टर कमिंग विद द नेशनल टीम? कुछ चेंज आया है कि क्या है? चेंज मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ अपने आप को स्कोरिंग शीट पर लेने के लिए तो मैं यही ट्राई करता रहूँगा क्योंकि पहले ऐसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में गोल्स आ रहे थे ISL में. सो उस टाइम भी मेरा सेम एटीट्यूड था और उसके बाद भी सेम. सो आई ऑलवेज ट्राई टू स्कोर मैनी गोल्स एज आई कैन. पाजी, आप सेकेंड चॉइस रहते हो इंडिया का जब गेम स्टार्ट करते हो, सब्स्टिट्यूट बेंच से आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट किए. आप सब्स्टिट्यूट रोल पसंद करते हो या फिर आप मेन स्ट्राइकर बनना चाहोगे? आई थिंक कोई भी सब्स्टिट्यूट बनना पसंद नहीं करता है. सो मैं जितना टाइम भी खेलूँगा, जितना टाइम भी मुझे मिलता है तो मैं उसमें 100% देने का ट्राई करूंगा. सो आई थिंक नो वन वांट्स टू सिट ऑन द बेंच. एंड आप मुंबई सिटी के लिए खेलते हो तो भी अलेक्जेंडर की मारे आपको काफ़ी टाइम लेफ्ट विंग पर डालते हैं, स्ट्राइकर पोजीशन में स्टार्ट नहीं करते यार, क्या आप वो पोजीशन से भी कंफर्टेबल हो? या आई एम कंफर्टेबल, आई प्लेड इन चर्चिल आल्सो ऑन द लेफ्ट विंग. सो कोच का प्लान रहता सो अगर उसको लगता है कि मैं खेल सकता हूँ तो आई डोंट हैव एनी इशू. जो कि काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फुटबॉल खेलते हैं और टाइम भी बहुत कम मिलेगा, तो ज़्यादा चैलेंज रहेगा? हाँ, चैलेंज रहेगा क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ टीम्स हैं, क्योंकि कोई टेक्निकली अच्छा है, कोई फिजिकली स्ट्रॉन्ग है. सो बट हमारे पास 15 दिन थे तो काफ़ी वर्क किया है कोचिंग स्टाफ ने, एवरीवन वाज वर्किंग हार्ड. सो लेट्स सी. फिजिकल डिपार्टमेंट से बोलने के लिए सर, केनिया जैसे टीम्स है जो काफ़ी स्ट्रांग है फिजिकली, बैकलाइन पे उनका प्रेशर बनाए रखेंगे, आप उनको आउटस्मार्ट करने के लिए कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हो? नहीं, मैंने जैसे पहले बोला कि हम लोग सब लोग को अपना 100% देना पड़ेगा, इसके लिए कोई स्पेशल तो हम लोग नहीं कर सकते हैं बट अगर हम लोग अपना 100% देंगे सो वी विल डेफिनेटली विन. आई सेड बिफोर आल्सो वी आर नॉट टेकिंग एनी टीम इजीली, फॉर अस दे आर सेम.
बट फॉर अस हम लोग किसी को इजी नहीं ले सकते ना सर. वर्ल्ड कप जाते हुए सॉरी एशियन कप जाते हुए आपको कौन से टीम्स में दो तीन है यूएई थाईलैंड और बाहरीन तीन दो मिडिल ईस्टर्न टीम्स है एक एशियन की टीम है उनका प्लेइंग स्टाइल काफ़ी अलग होता है तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है या फिर आप. या आई थिंक प्रिपरेशन यही है कि जो हम लोग टूर्नामेंट खेल रहे हैं इनसे हमको इसमें बहुत सारी जो अगर हम लोग जीत रहे हैं या फिर कुछ भी अगर लॉस भी कर रहे हैं तो हमें सीखने को मिलेगा. सो ये प्रिपरेशन बिफोर आल्सो जब हम लोग ने ट्रेनिंग नेशन सीरीज खेला था तो ये सब प्रिपरेशन एशिया कप के लिए हो रहा है आई थिंक. डन. Yeah, I guess so. Thank you. Thank you, buddy.